Morning students, P block chapter 17th group halogen electronic configuration, फिर atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy complete किया. कल हम पढ़ रहे थे electron gain enthalpy. Important है, exception है, याद रखना है. Electron gain enthalpy means the energy released when one electron is added to neutral gaseous atom. अगर अपन हैलोजन्स की बात करें तो ऑल हैलोजन्स डिनोटेड बाय एक्स, देयर कॉन्फिगरेशन इज वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन इज NS2NP5. इफ दे गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आयन, दे हैव कॉन्फिगरेशन NS2NP6, दैट इज दे बिकम स्टेबल. इन दिस प्रोसेस द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड दिस इज नेगेटिव बिकॉज इट इज exothermic process. All halogens will have tendency to accept electron and become negatively charged because of their electronic configuration. Saat electron che darek ni outermost shell ma ek electron mali jaye to bo raji thai jaye karan ke stable thai jaye ane pachi large amount of energy e loko release kare and delta H is negative. Now the question is fluorine, chlorine, bromine or iodine. अगर अपन इन चार में मूव करते हैं किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, इन द सेंस कौन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. तो होना ऐसा चाहिए था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करे क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इतना सा साइज है. अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसका न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. लेकिन एक्सेप्शन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का होता है, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन. व्हाट इज द रीजन? फ्लोरीन का साइज छोटा है लेकिन अपन सिर्फ अट्रैक्शन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा. लेकिन ऑलरेडी जो 9 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में प्रेजेंट है, दे रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे. And due to repulsion, electron gain enthalpy will be less. Fluorine ki sabse zyada hoti hai, then fluorine, then bromine, and then iodine. What is the reason? Due to small size of fluorine, there will be electron-electron repulsion. Okay. Next periodic property is electron negativity. Electron negativity of group 17th element. ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिविटी. इसमें फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन. इसी ग्रुप में नहीं, फ्लोरीन इन होल पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ऑक्सीजन आता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद क्लोरीन. But in this group, fluorine, chlorine, bromine, iodine is the electronegativity order. क्योंकि non-metals हैं, and non-metals have more tendency to attract bonding electron pair towards themselves. Clear? उसके बाद physical properties में बहुत कुछ है नहीं, cancel है. लेकिन कुछ कलर हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे फ्लोरीन का कलर होता है येलो, क्लोरीन होता है ग्रीनिश, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का लिक्विड है, और आयोडीन होता है पर्पल कलर का सॉलिड, इसका एकदम मेटालिक लस्टर होता है, देखो तो ऐसा लगेगा जैसे मेटल है. सो कलर ऑफ फ्लोरीन वैसे कलरलेस जैसा होता है बट येलोइश टाइप होता है, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो टाइप, ब्रोमीन इज लिक्विड ब्राउन कलर एंड आयोडीन इज पर्पल कलर सॉलिड. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ओनली नॉन मेटल. आयोडीन जो है वो पर्पल कलर का सॉलिड होता है, मेटालिक लस्टर है, शाइनिंग सरफेस लाइक मेटल, बट इट इज नॉन मेटल, इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक तो कलर आपको याद रखने हैं, दे आर कलर्ड. और 12th स्टैंडर्ड में 11th में हमने पढ़ा था कि क्यों कोई एटम या आयन कलर्ड होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, लाइट की एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं,
जब वो इलेक्ट्रॉन्स वापस लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो रेडिएशंस विजिबल रीजन में एमिट करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे गिव कलर. तो इनके केस में भी ऐसे ही है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दे एब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स मूव टू हायर एनर्जी लेवल. व्हेन दोज इलेक्ट्रॉन कम बैक टू लोअर लेवल दे एमिट रेडिएशंस इन विजिबल रीजन और इसीलिए ये कलर दिखाई देते हैं. ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ये जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये पानी में कम डिजोल्व होते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है सारे. ठीक है, इसमें सॉल्युबल होंगे, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होंगे, बेंजीन में सॉल्युबल होंगे, they are soluble in toluene because they all are non polar, so they are soluble in non polar solvents. पानी में भी होते हैं but कम dissolve होते हैं, ज्यादातर non polar solvents में dissolve होते हैं. उसके बाद एक important property है, that is bond dissociation enthalpy. bond dissociation enthalpy जैसे फ्लोरीन है तो उसमें FF बॉन्ड एंथैल्पी है, क्लोरीन है तो उसमें ClCl बॉन्ड एंथैल्पी है, फिर ब्रोमीन है तो उसमें BrBr बॉन्ड एंथैल्पी है, उसके बाद आयोडीन में II बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड बिटवीन आयोडीन, बॉन्ड बिटवीन टू ब्रोमीन, बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन. व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? कौन से बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो लगता ऐसा है कि फ्लोरीन छोटा है एटम, तो अगर छोटे एटम्स होते हैं तो बॉन्ड कैसा बनता है? एकदम स्ट्रॉन्ग. तो FF को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगती है कंपेयर टू क्लोरीन. व्हाट इज द रीजन व्हाई FF बॉन्ड ब्रेक इजीली? जबकि साइज छोटा है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगनी चाहिए क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है. The bond dissociation enthalpy of FF is less. What is the reason? Because in this, there are lone pairs of electrons. So due to these lone pairs, small size hai, there is lone pair repulsion. Lone pair repulsion. So due to this lone pair repulsion, bond breaks easily and bond dissociation enthalpy of FF is less. फिर क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, लेकिन FF bond dissociation enthalpy सबसे कम होता है due to small size, due to lone pair repulsion. ठीक है, इतनी बातें अपन को याद रखनी है. अब है कुछ chemical properties, ये syllabus में है. सबसे पहले oxidation states और trends in chemical reactivity. कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट से लोग शो करेंगे? हेलो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी. ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक्सेप्ट फ्लोरीन की बात कर रहे हैं. फ्लोरीन एक्सेप्शन है, कोई भी ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अलग बिहेवियर शो करता है. तो एक्सेप्ट फ्लोरीन, all halogens have configuration 2 electron in s and 5 electron in p orbital, 1 2 3 4 or 5, or nd khali d orbital khali hota hai. Fluorine mein ye nahi, fluorine pe vacant d orbital hota hi nahi. All halogens have 2 electrons in s orbital, 5 electron in p orbital, and there are, sorry, yeah, 5 electron in 3p orbitals and 5 d orbitals are vacant. Oxidation states hamesha valence configuration se hi bata sakte hain. Ab inme sabse pehla jo oxidation state sare halogen show karte hain wo kaun sa hai? -1. Kyun show karte hain -1? Because inka configuration aisa hai, agar p mein ek electron mil jaye to ye stable ho jayenge और इनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो जाएगा. सो दे एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, हेंस देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1.
The first oxidation state shown by them, and that is minus one. अब बाकी के कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं? तो इनको वन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कभी कभी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, और शेयरिंग करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. सो व्हेन दे शेयर देयर वन इलेक्ट्रॉन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी प्लस वन, बिकॉज दे हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर्ड बाय अदर एलिमेंट्स. आगे देखो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन एक्साइटेड स्टेट दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स अनपेयर्ड और यहां डी में चला जाए, वेकेंट डी ऑर्बिटल. यहां से इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके इसमें चला गया. अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? थ्री. सो इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस थ्री ऑल्सो. इफ इट शेयर इट्स थ्री इलेक्ट्रॉन विथ अदर एलिमेंट्स, it form, it shows plus 3 oxidation state. एक और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट हो सकता है. S में दो, P में रह जाएंगे तीन और D में पांच. ऑर्बिटल है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा. How many unpaired electron now they have? 5. So they show plus 5 oxidation state because they can share their 5 electrons with other elements. Hence they show plus 5 oxidation state. एक और इलेक्ट्रॉन बचा है S वाला, अगर वो भी जंप करके आगे चला जाए now how many unpaired electron total? 7. So they show maximum of plus 7 oxidation state. So halogens have oxidation states minus 1 तो basic सबका है. But they shows plus 1, plus 3, plus 5 and plus 7 oxidation state. Depending upon the number of unpaired electrons. Depending upon the electrons that get excited. Generally, positive oxidation states, ye log kahan show karte hain? Do type ke compounds mein. Ek hai inter-halogen compounds. Inter-halogen compound. Thoda sa aage padhayenge apan usko. Aur dusre oxoacids mein. In case of oxoacids, in case of interhalogen compounds, they generally show plus oxidation state. Otherwise, inka basic oxidation state hota hai minus 1. Clear? Except fluorine. Fluorine show nahi karta. Kyun nahi show karta? Kyunki fluorine mein vacant d orbital hi nahi hai. Wo apne electron excite kahan karega? Nahi kar sakta excite. So except fluorine, all other elements show positive oxidation states. Clear? And in which compound they show positive oxidation state? Either in oxoacids or in interhalogen compounds. They show positive oxidation states. जब ये लोग oxides बनाते हैं तब plus 4 और plus 6 oxidation state भी show करते हैं. जैसे अगर chlorine की बात करें especially. Chlorine show all the oxidation states. Except 1,3,5,7, मतलब along with 1,3,5,7, it shows oxidation state of 4 and 6 also. कहाँ पे? Oxides में. Oxidation state of chlorine. Cl2O. Dichlorine monoxide. इसमें chlorine का oxidation number plus 1. ClO2 plus 4. Cl2O6. Plus 6, Cl2O7, chlorine heptoxide, plus 7, ClO, plus 2. So it shows different oxidation state. Plus 4, plus 6, pata show kare. In its oxides. Aur sare stable oxide hai, sani again stable. So chlorine has variety of oxidation states in its oxide. Other than minus 1, it shows plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, Cl2O6, ma plus 6 hai. So it has different oxidation states. Chlorine. Clear? They are very, very reactive non-metals. Second chemical property, they are reactive non-metals. Reactive
non-metals. Non-metal की दुनिया में ये सबसे ज्यादा reactive है. सबसे ज्यादा reactive metals होते हैं alkali metals. और सबसे ज्यादा reactive non-metals होते हैं halogens. और fluorine, chlorine, bromine और iodine में top to bottom reactivity decrease होता है. Fluorine is most reactive, फिर chlorine, फिर bromine और उसके बाद iodine. ठीक है, so reactivity decreases down the group. आप organic पढ़ते हो तो organic में कभी भी fluorine की reactions नहीं आते, because it react explosively, hyperactive. So reactive non-metals, halogens, and the reactivity decrease down the group. They react with metal and form ionic compound like this. Potassium is alkali metal, combines with fluorine to give potassium fluoride. What type of compound it is? Ionic compound formed by transfer of electron. Sodium metal combines with chlorine and form NaCl. What type of compound is NaCl? Ionic compound. So they are very reactive. They have tendency to gain electrons. So they generally form what type of compounds? Ionic compounds. जब ये metal के साथ combine होते हैं तो ये ionic compounds form करते हैं, क्योंकि मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. सो दे जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स बिकॉज़ दे हैव मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ दे हैव मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ this halogens are, they are very good oxidizing agents. Kaise hai ye oxidizing agents? Attendance dal dena beta apna chat box ma, every day you have to. They are very good oxidizing agent. Fluorine, chlorine, bromine and iodine. Sabse pehla question to aata hai, why they are good oxidizing agent? Halogens are good oxidizing agent. Good oxidizing agent. Why they are good oxidizing agent? Because they have tendency to gain electrons because of their configurations. Halogen gain electron, form X minus. Gaseous atom halogen has configuration NS2NP. 5, after that they become stable NS2NP. So that's why they gain electrons. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. तो ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर क्या होता है? क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन. मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है? Chlorine का. Chlorine has more tendency to gain electron. After that, fluorine, bromine and iodine. तो oxidizing property का जो order है वो भी यही होना चाहिए. लेकिन in solution, oxidizing agent order. सबसे strong fluorine है, फिर chlorine है, फिर bromine है और फिर iodine है. ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, फिर क्यों फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू क्लोरीन? क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? द वन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन. तो ऑल हैलोजन हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सो ऑल हैलोजन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, तो क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए. बट फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन. व्हाट इज द रीजन? ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन में, इट डिपेंड्स ऑन ई नॉट वैल्यूज. इट डिपेंड्स ऑन ई नॉट वैल्यू. आपने उसमें पढ़ा है, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में. स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पर डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी. जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर होता है. व्हाट इज ई नॉट? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू.
E naught reduction more, best reducing agent, best oxidizing agent. Oxidizing agent. Clear? तो किस पर डिपेंड करती है? E naught वैल्यू पर डिपेंड करता है. सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन जल्दी ले रहा है, कौन लेट ले रहा है इलेक्ट्रॉन, किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, उस पर नहीं. E naught वैल्यू पर डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी. तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन. अब सवाल ये आता है कि क्यों, व्हाई रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है? बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. सोल्यूशन में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर इज ये जो हैलोजन्स है ना, गैशियस स्टेट में या सॉलिड जिसमें भी मिलेंगे, फर्स्ट दे डिसोसिएट एंड गिव हैलोजन एटम. इफ यू बैलेंस इट देन इट विल बी हाफ हैलोजन गैशियस एटम. इस प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चाहिए उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं. तब टोटल तीन प्रोसेस होते हैं सॉल्यूशन में. सबसे पहला हैलोजन्स, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड विल ब्रेक, अपने आप तो ब्रेक नहीं होगा, एनर्जी देना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड गैशियस एटम इज फॉर्म्ड. ओके, नाउ इन सेकेंड स्टेप दिस गैशियस एटम विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन and form gaseous ion. For this energy released, that is called electron gain enthalpy. For this the energy released, and that is called electron gain enthalpy. Now in solution, it hydrolyzed with water to form gaseous aqueous ion. Gaseous से aqueous ion बनेगा. इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी. पता चला नहीं? एंड सम ऑफ दीज थ्री दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो विच थ्री स्टेप्स या विच थ्री एनर्जीज यूटिलाइजिंग इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी? द फर्स्ट वन, फर्स्ट डायटोमिक हैलोजन converted into monoatomic halogen, energy required is called dissociation enthalpy. When they gain electrons, energy released is called electron gain enthalpy. When this ion is hydrated, because in solution we are talking about water, when dissolve karoge hydrated ion banega x minus, and change of this process is called E naught value. So E naught reduction is sum of dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy. E naught value depends on three enthalpies. E naught reduction depends on dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy. तीनों मिलके decide करते हैं value of E naught reduction. And if it is more, then we can say that better oxidizing agent. अब अगर अपन ये values fluorine और chlorine के लिए compare करें, तो fluorine के लिए dissociation enthalpy कम होती है, for example 100 है, और इसके लिए ज्यादा होती है, for example 250 joule. ये कोई करेक्ट वैल्यूज नहीं लिख रही मैं, सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में हमने पढ़ा क्लोरीन का ज्यादा कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्लोरीन का ज्यादा होता है 500 और इसका कम होता है 200. अभी तक तो यही पीछे चल रहा है क्लोरीन. डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम है. तो इन दो के हिसाब से तो अपन बोल सकते हैं कि भाई क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन लास्ट के 10 ओवर में बहुत ज्यादा रन बना लेता है. हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन के सबसे ज्यादा है और कम से कम भी 1500, और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाती है 500.
क्यों हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा है? ड्यू टू स्मॉल साइज. हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन साइज. इफ साइज इज स्मॉल, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाई. तो फ्लोरीन के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है कि ओवरऑल ई नॉट सबसे ज्यादा हो जाता है. 1500, 200 and 100 अगर अपन ऐड करें तो इट वुड बी समथिंग 1800, और नीचे वालों का ऐड करो तो 1250. सो फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट इज रीजन? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. क्लियर? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होता अपने, इसमें F2 में नहीं होता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होता है. हम H2 नहीं बना रहे, HF नहीं बना रहे, we are talking about F2. So F2 has oxidizing agent better compared to chlorine. अब कहाँ काम आते हैं ये better oxidizing agent है? Very important reaction, replacement reactions होती हैं, displacement reaction. ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. फ्लोरीन अपने क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है सॉल्यूशन में से. क्लोरीन कैन रिप्लेस ओनली ब्रोमीन एंड आयोडीन. ब्रोमीन कैन रिप्लेस ओनली आयोडीन. आयोडीन कैन नॉट रिप्लेस एनी हेलोजन, एनी ऑफ द हेलोजन फ्रॉम द सॉल्यूशन. क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे मैंने ऐसे रिएक्शन लिखा, F2 plus KCl gives KF plus HCl. पूछेगा whether this reaction taking place or not. ये reaction होगी या नहीं होगी? Spontaneous है कि नहीं है? Yes, it is a spontaneous reaction. Why? Because ये solution fluorine replaces chlorine. Because fluorine is better oxidizing agent than Cl. So fluorine can replace Cl, so we get KF and Cl2. So this reaction is possible. लेकिन अगर अपन ने इसका उल्टा लिखा होता, Cl2 plus KF, क्या ये KCl plus F2 बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि अब की बार क्लोरीन बाहर है, फ्लोरीन सॉल्यूशन में. क्लोरीन कैन नॉट रिप्लेस F, बिकॉज क्लोरीन इज not better oxidizing agent than fluorine. So it cannot replace. And it replace main condition. Are reaction possible here? Br2 plus Ki gives KBr plus I2. Whether this reaction possible or not? Yes, it is possible. Why it is possible? Because bromine is better oxidizing agent than iodine. So better oxidizing agent replace कर सकता है. तो अगर अपन ऐसा लिखें, X2 plus KX dash gives KX plus X dash 2. कब ये reaction possible होगा? When X is more reactive. X is more reactive या better oxidizing agent. Then only this reaction is possible. Then only X2 replaces X dash. ये ज़्यादा reactive होना चाहिए. अगर ये fluorine है, तो ये chlorine, bromine, iodine चलेगा. अगर ये bromine है, तो iodine चलेगा. अगर ये chlorine है, तो bromine और iodine दोनों चलेगा. और अगर ये iodine है, तो यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा. अगर ये iodine आपने लिया है, तो यहाँ पे FO, Cl हो या BrO रिएक्शन नहीं होगा. आयोडीन कैन नॉट रिप्लेस एनी ऑफ द हैलोजन. सो वी हैड डन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन्स. देन वी हैड कंप्लीटेड व्हाई दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. व्हाई इन एक्वियस सॉल्यूशन क्लोरीन इज बेटर फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन. व्हाट इज द रीजन? दैट वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड. ओके, दीज आर chemical properties of halogens. They form ionic compounds with metal because they are highly reactive non-metals. So they combine with metal to form
ionic compounds.